हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाड़ी के हो गए 1500 किलोमीटर और गाड़ी को मैं लेके जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट सर्विस के लिए। तो आपको बताऊंगा मेरे फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है, कितना कॉस्ट मुझे आया। आपको मैं अभी गाड़ी के किलोमीटर दिखा देता हूँ कितने हो गए। तो गाड़ी के किलोमीटर हो गए 1468 किलोमीटर चल गई है। तो गाइस आ गए टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर पे। क्या नाम सर आपका? मेरा अक्षय गुप्ता। अक्षय गुप्ता सर हमें ट्रीट कर रहे हैं। मेरे को यहाँ पर जाना है, राइट? मैं भी फ्रंट ऑफिस। ठीक है, चलो चलिए अक्षय जी, मिलते हैं। तो ये रही अपनी गाड़ी। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट सर्विस की सब चेकिंग हो गई है गाड़ी में। तो एयर फिल्टर, इसके ऑयल, सब ऑयल के लेवल सब चेक हो गए। तो ये अभी वॉशिंग के लाइन में, अभी ये वॉश होगी, पूरा वैक्यूम होगा अंदर से। इसका फर्स्ट सर्विस में पूरा वैक्यूम से इसका डर्ट निकाला जाएगा और डैशबोर्ड पे पॉलिश वॉलिश सब लगा के, सीट कवर सब एकदम अच्छे से करके, इसको क्लीन करके ये रेडी हो जाएगी। फर्स्ट सर्विस में इतना ही होता है। एक चीज़ बताना भूल गया आपको। तो यहाँ पर तीन चार चीज़ जो लोगों ने मुझे पूछा था कि हो सकता है कि नहीं चेक करना है, तो मैंने यहाँ पर शोरूम मैनेजर से बात किया, सर्विस मैनेजर से बात किया। तो जो इसका ये था, क्या बोलते हैं, 12 वॉट का सॉकेट, आप वो बोल रहे हैं कि हम लोग वी आर नॉट ऑथोराइज टू पुट ऑल दैट। आप बाहर से लगा सकते हो, हम लोग तो नहीं लगाते। तो 12 वॉट का सॉकेट शोरूम, अगर से शोरूम से कोई डालना चाह रहा है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं डालने का। और सेकेंड चीज़ थी, मेरे को बहुत जन पूछ रहे थे कि एक्सी मॉडल में स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगा सकते हैं कि नहीं। तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी नहीं लगा सकते गाइस, बिकॉज ये बेस मॉडल है, तो नहीं लगा सकते स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्योंकि दे आर नॉट ऑथोराइज। और इनका बोलना है कि आप लगा लोगे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, बट सारे फंक्शन काम नहीं करेंगे, ठीक है। और 12 वॉट का भी इन्होंने, मैंने इनको पूछा कि मैंने देखा है बहुत जन को लगाते हुए 12 वॉट का सॉकेट। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं, लग तो जाएगा गाड़ी में, 12 वॉट का सॉकेट लग जाएगा, बट क्या होगा मानो, मैं वो काम नहीं करेगा। क्या कर सकते हो आप म्यूजिक सिस्टम का जो इसका पावर का आउटलेट है वहां से ले सकते हो, बट वो क्या देगा, उसको इतना पावर नहीं देगा 12 वॉट की इतना, जिससे आप अपना क्या बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर या एयर भरने का मशीन, हवा भरने की मशीन यूज कर सकते हो। और तीसरी चीज थी रेयर डोर की ग्रैब हैंडल्स, जो इन्होंने चेक किया। एक्चुअली मुझे लगाना था पीछे, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, पीछे जो राइट लेफ्ट साइड में होता है, तो इन्होंने बोला कि वो भी नहीं लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ उन्होंने स्क्रू दिया ही नहीं है। ठीक है गाइस, आपको मैं बताता हूँ, अभी तो इनका लंच टाइम है। तो देखिए हेजर खड़ी है मेरे आगे, ऐसे तीन चार गाड़ी मेरे आगे खड़ी है, उसके बाद अपनी गाड़ी है, देखते कैसा लगता है। फर्स्ट सर्विस में पूरी क्लीनिंग होती है, पूरा वैक्यूम से क्लीन होता है, पूरा पॉलिशिंग होता है। और ये अपने सर क्या कर रहे हैं सर, ये रस्टिंग के लिए लगा रहे हैं, ये अपने सर रस्टिंग के लिए लगाते हैं चारों डोर पे, इससे रस्टिंग ना हो। बस ये सभी होता है फर्स्ट सेकंड सर्विस में, पूरा क्लीनिंग होता है, वैक्यूम होता है। ये अपनी गाड़ी है, सर्विस हो रही है। पेट्रोल कैप पे भी लगाते, देखिए गाइस। ये पूरे वैक्यूम से क्लीन हो जाता है, पूरा पूरी गाड़ी को वैक्यूम से क्लीन करते हैं। चारों डोर पे एंटी रेस लगाते हैं, रस्टिंग नहीं हो। ये पॉलिशिंग लगा रहा है भाई मेरा, चारों दरवाजे पे पॉलिशिंग। तो मेरी नेक्सॉन की फर्स्ट सर्विस ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो मेरे साथ रिप्रेजेंटेटिव है सूर्योदय के, मिस्टर आदिल,
तो आदिल मेरे को बताइए क्या क्या आपने ये डिटेल में इसमें किया, फर्स्ट सर्विस में क्या क्या चेक करते हैं? मैंने बताया था इसके अंदर ओवरऑल जनरल चेकअप किया, ओके, चेकअप किया, सस्पेंशन वगैरह पूरा चेक किया इसका। इसके अलावा एसी फिल्टर, एयर फिल्टर क्लीनिंग कर दिया, और ऑयल था आपका वो टॉपअप कराया थोड़ा मैंने, और जनरल वॉशिंग वगैरह, वॉशिंग वैक्यूमिंग और पॉलिशिंग कराया। ओके, तो ये एक्चुअली एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये गाड़ी मैंने पुनीत ऑटोमोबाइल से ली थी, तो उन्होंने मुझे डिलीवर करने के पहले इसके ऑयल लेवल सब चेक नहीं किए थे, तो ऑयल लेवल इसमें कम थे, लाइक 750 ml तक कम थे, 500 ml के हिसाब तक तो कम थे। तो आदिल सर ने इसको पूरा मतलब अपनी तरफ से हैंडल करके इसको कर दिया है, टॉप अप करवा दिया। और ये अभी इसका आदिल सर अगर ये लेते हैं नेक्स्ट ऑन, तो आप क्या बोलते हैं कैसा है गाड़ी, लाइक सर्विस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज सब बेस्ट है? ठीक है, और इसके सेकंड सर्विस में भी क्या कॉस्टिंग आएगी? जैसे ये अभी तो मैं शेयर नहीं करूंगा, आपके हिसाब से सर्विसिंग है इसकी ज्यादा है कम है, कैसी है? सेकंड सर्विस भी सेम होगा, सेकंड सर्विस 8000 किलोमीटर पे, ओके, उसके बाद भी आपको उसका कोई कॉस्टिंग नहीं। थर्ड सर्विस में आपको खाली ऑयल वाइज फिल्टर के चार्जेस होंगे। तो थर्ड सर्विस का हिसाब क्या रहेगा, कॉस्टिंग का कितना रहेगा? 3500 to 4000। तो इतनी भी महंगी नहीं है गाइस, और वैसे ही मैं अगर किसको भी सर्विसिंग कराना है तो आदिल सर को मिल सकते हैं, बहुत ही जेन्युइन बंदे। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, अब आ जाते हैं कॉस्टिंग के ऊपर, तो कॉस्ट कितना लगा मुझे मेरे फर्स्ट सर्विस पे, तो मुझे कॉस्टिंग लगी है टोटल मेरे फर्स्ट सर्विस पे है 85 रुपीज। सो ये 85 रुपीज भी बता दो आपको काय का, ये 85 रुपीज ये प्रोडक्ट है विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड, तो इसका 85 का कॉस्टिंग आया है मुझे, तो ये उन्होंने 85 चार्ज किया और उन्होंने मुझे ये बॉटल भी दे दिया। और जैसे आपने मेरे वीडियो में देखा रहेगा कि सेकंड सर्विस को भी कॉस्टिंग समय अराउंड सेम ही आएगी, 0 या 100 रुपीज तक सेकंड सर्विस का भी कॉस्ट होगा। थर्ड सर्विस के कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा लाइक लगेगा चार्जेस, जिसमें आपका ऑयल चेंज इंक्लूड हो जाएगा, तो उसका लगभग आप चार्ज समझ लो 3500 to 4000 तक उसका चार्जेस होगा। सो गाइस, बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो मुझे प्लीज बताइए, मैं ट्राई करूंगा मेरे को जितना नॉलेज है आपसे शेयर करने के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।